दोस्तों कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल सही कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले आईपीएल में रियान पराग को कितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। उन्हें यहाँ तक का ये तक कह गया था कि ये राजस्थान को लेट डूबेगा, और वही रियान पराग आज बैक टू बैक लगातार दो मैचों में अच्छा परफॉर्म करके अपने राजस्थान टीम को जीत दिलाई है। जैसे कि आपको पता होगा कि कल का मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान के बीच हुआ था, जहां पे राजस्थान टीम ने पहले बैटिंग करी और बैटिंग करते समय उनकी पूरी की पूरी टीम ही कोलैप्स कर गई थी। लेकिन एक अकेला रियान पराग एक तरफ खड़े थे, जहां पे उन्होंने 45 गेंद में 84 रन बनाए और अपनी टीम को 85 रनों तक लेके गए। बारियां थी जब दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनकी तरफ से भी डेविड वार्नर ने अच्छा खेला। 34 गेंदों में उन्होंने 49 रन बना डाले और दिल्ली को एक जीत के करीब लेके गए थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे रियान पराग की नहीं, यहाँ पे धन्यवाद तो आवेश खान का भी है। जबकि लास्ट ओवर में सिर्फ 17 रन चाहिए थे जीत के लिए, किसी को विश्वास नहीं था वहाँ पे आवेश खान को बॉलिंग थी सिर्फ बची हुई। और आवेश खान जैसे जाते हैं, सबने सोच लिया था कि यहाँ पे जीत तो आराम से जाएगी दिल्ली, क्योंकि 17 रन बचे थे और वहाँ पे स्टब्स खेल रहे थे 22 गेंद में 43 रन बना के, और एक तरफ अक्षर पटेल खेल रहे थे। लेकिन आवेश खान ने उस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और अपने टीम को उन्होंने भी जीत दिलाई। दोस्तों से आपको क्या लगता है, राजस्थान का अभी सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।